प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। कांग्रेस सरकार बहुत सही थी, जो वादा करके सरकार आई थी वो वादे पे खरा उतरी नहीं है। चूल्हा लेके आज वो लेके चलेगा, भिखारी सरकार है ये। नेक्स्ट प्रधानमंत्री देखना चाहते राहुल गांधी जी को। हवाड़ साहब जिसको लाएंगे उसको जिता के देंगे आप। ये क्या है जो अंगाल लेके चल रहा है वो बांबू लगा के मिसाल। हाँ, 10 साल बीजेपी राज कर जब कांग्रेस के बारे आने दो ना भाई। समझ उद्धव ठाकरे की तरफ से ही है ज्यादा। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। अगर पेट्रोल का भाव बढ़ जाए तो पेट्रोल के पीछे हर चीज का भाव बढ़ जाता है उसमें। तो जो आदमी देश में पैदल चल सकता है तो वो अपने लिए नहीं चल रहा है, वो देश के लिए चल रहा है, तो उससे अच्छा दुनिया से और मतलब नहीं आपको, नहीं टाइम मिलता ना इसका। श्रीकांत शिंदे हो सकते हैं। हमको सुना है उसे कोई लेन देन नहीं है। पूरी तरह से जो है ना पब्लिक को मालूम ही नहीं है कि उम्मीदवार कौन एक्चुअली में जो है ना। क्यों नहीं दे, कुछ राजनीतिक दबाव तो नहीं आ गया? नहीं नहीं नहीं। कौन पसंद है, कांग्रेस, बीजेपी या दूसरी पार्टी? कौन? कांग्रेस। 200 रुपए में हम लोग बेचते हैं, हम लोग को क्या मिलता है? कुछ नहीं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं सिर्फ। गरीबों के लात मार रहा है, गरीबों का घर तोड़ रहा है, वो सरकार चाहिए नहीं। सरकार तो चाहिए तो कांग्रेस की ही चाहिए। तरक्की बाहर हो रही है कि देश में हो रही है? उम्मीदवार खड़ा है आपको पहले भी बताइए, मालूम है आपको? बिहार लोकसभा से यहाँ से अभी तो कौन उठाया मालूम नहीं है, कौन से प्रत्याशी हैं। मनाई जाए चोर मोसेरा भाई, हम तो बोल रहे कि हमको मेरी सरकार बना दिया जाए। मैं जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। इस समय मौजूद है मुंब्रा के गुलाब पार्क मार्केट में। आपको दिखाएंगे कि ये मुंब्रा का गुलाब पार्क मार्केट है, काफ़ी बड़ी जो है यहाँ पर दुकानें लगती हैं और मुंब्रा शहर के ही रहने वाले लोग हैं यहाँ पर जो दुकानें लगाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम शहर के मुद्दे हैं और जनता किसे पसंद कर रही है किसे नहीं पसंद कर रही है। तमाम दुकानदार हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग भी यहाँ पर आ गए। क्या नाम है भाई? फजल, शेख फजल। हाँ, मुंब्रा में ही रहते? हाँ, मुंब्रा अपने है भाई, यहीं। क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है, किसको कौन पसंद कर रहा है? पसंद के लिए तो सब अच्छा ही है, सब अपने लिए तो सब सही है। नहीं नहीं, उम्मीदवार कौन आपको पसंद है? जैसे कल्याण लोकसभा की अगर बात करें तो 2 उम्मीदवार हैं शिवसेना से जो टक्कर पे चल रहे हैं, वैशाली दरेकर और दूसरे श्रीकांत शिंदे। आवाज साहब चुनाव में अभी नहीं खड़े हैं ना? नहीं खड़े, ये लोकसभा चुनाव। हाँ, तो शिवसेना वाले की तरफ से ना? दोनों, दो शिवसेना है। कौन कौन सी है? एक उद्धव साहब की शिवसेना है और एक शिंदे गुट शिवसेना है। शिंदे तो दोनों तरफ से जो है उम्मीदवार हैं। तो साहब की तरफ से शिंदे साहब। क्या निशानी है उनकी मालूम है आप? क्या निशानी बताओ? श्रीकांत शिंदे। क्या निशानी आप बता दो? तीर कमान है। आपको कुछ मतलब चुनाव के बारे में मालूम नहीं है? आए थोड़े बहुत, इतना ज़्यादा नहीं है। एक तरफ उलमा इकराम जो है मुहिम चला रहे हैं, सभी समुदाय के लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं कि आप राजनीति को समझिए और मतदान कीजिए। अभी तक आप जो है किसी का सिंबल नहीं मालूम आपको कौन क्या है? अपने को तो अपने एकनाथ शिंदे साहब का मालूम है, वो आए थे अपने पास इधर नईम खान साहब के पास। हाँ, तो अपन उसको ही वोट के हिसाब से करेंगे। उन्हीं का निशान पूछ रहा था मैं कि क्या निशान है। बोले ना भाई ने, तीर कमान भाई ने बोले। तो पसंद किसको करते हैं आप, किसको? एकनाथ शिंदे साहब को। आप क्या क्या सीएम अच्छे साहब? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार आना चाहिए इस बार। कांग्रेस की सरकार? अच्छा, क्या वजह क्या है? मुझे इसलिए क्या जो मुद्दे चल रहे हैं वो कांग्रेस के सिवा और कोई अच्छे। अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज शेख है। जो अभी मुद्दे चल रहे हैं, हर चीज़ के मुद्दे उठ रहे, हमारे हिसाब से कांग्रेस की सरकार रहेगी तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे सब सस्ता ही थी। महंगाई ज़्यादा हो गई है ना, 10 सालों में बढ़ गई। जो वादा करके सरकार आई थी वो वादे पे खरा उतरी नहीं है। कांग्रेस ने जो कांग्रेस के टाइम पे था बहुत अच्छा था, 400 रुपये में गैस था, हर चीज़ था। अभी तो 1100 रुपये से ऊपर ही जाने वाला गैस, दाल के भाव 100 रुपये से ज़्यादा 200 रुपये बढ़ गए। तो कांग्रेस के हिसाब से बहुत सही था और अभी कुछ भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जो भाजपा की सरकार आई है कोई फ़ायदा नहीं है इसका, इसके लिए हमको भाजपा की सरकार को हटाना है, कांग्रेस की सरकार को वापस लाना है।
आपको आपको क्या लगता है किसको समर्थन करना है? मेरे को तो लगता है कांग्रेस सरकार बहुत सही थी, ये सब राजनीति है कांग्रेस को आगे बढ़ने जाते आने को नहीं देते नहीं लोग, क्यों? सरकार मोदी सरकार है, ये कुछ भी हो सकता, पलट सकती सरकार है, ऐसी सरकार है, ये चोर सरकार बोलते हैं उसको, ईमानदारी सरकार नहीं है, क्या बोलता है झूला लेके आया झूला लेके चलेगा, भिखारी सरकार है ये। और कांग्रेस सरकार ऐसी थी आदमी को 10 रुपये में आदमी कुछ भी ना कुछ खा लेता था, आज की तारीख में रोज़मर्रा का काम करने वाला आदमी भी अगर लाता था तो वो पलटे अपना सामान लेकर आराम से, कहीं नहीं आदमी कुछ भी ना कुछ खा लेता पी लेता इसका लेता था, अभी की तारीख में कुछ नहीं हो पाता है, अभी एकदम बेकार है। मोदी हाली सरकार क्या है, सिर्फ अपने वाले को देती, अपने वाले जैसे हिंदू हुए लोग का राज, अपना मुसलमानों को कुछ भी नहीं। इधर मोदी सरकार तो कह रही सबका साथ सबका विकास, क्या किया मुसलमानों के लिए? क्या किया उसने मुसलमान के लिए? कुछ नहीं किया उसने, खाली मुसलमान की बोले जायदाद हड़प लो, ये कर लो, काला सोने सब मुसलमान के पास है क्या? सब तो लूट के ले गया मुसलमान का, लेके गया लोगों ने, मुसलमान को भिखारी बना दिया उसने, और खुद आलू हुआ जा रहे अयोध्या में, लाल लाखों करोड़ रुपये खर्चा कर रहे, मंदिर बना रहे, ये बना रहे, ये सब क्या ही तो नहीं है। लेकिन हमको भाजपा की सरकार नहीं मांगता, हमको सरकार वो रहे जो देश में उन्नति करे, डेवलप करे, रोजगार दे, रोजगार दे सबको, सब कुछ मिले, ठीक है। लेकिन हमको, हम हमारा नेक्स्ट प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं राहुल गांधी जी को। जी आप किसको देखना चाहते हैं? अपना तो वही है, एक ही अवार्ड साहब जिसको लाएंगे उसको जिता के देंगे अपन। अच्छा, अवार्ड जिता के देंगे वैशाली दरेकर का एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उनको भी करेंगे ना, अभी देखेंगे वो कर रहे हैं ना, करेंगे सब उसके ऊपर काम, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि मुमरा के अंदर अवार्ड साहब ने जितना काम किए है ना, अवार्ड साहब जिधर अवार्ड साहब ने काम किए, मैं नहीं, मैं 93 में आया हूँ, अवार्ड साहब ने काम किए। अभी तो आप कह रहे थे कि श्रीकांत शिंदे को हम, श्रीकांत शिंदे साहब आए थे ना नईम खान, अभी आप बोल रहे अवार्ड साहब जहाँ आएंगे वहाँ जाएंगे, पहले मैंने अवार्ड साहब का नाम लिया था तभी बोले अवार्ड साहब इसमें है नहीं, आपने क्या बोले अवार्ड साहब नहीं है, एडवर्टाइज कर रहे हैं, बोले उन्होंने गठबंधन के प्रवक्ता है वो, इंडिया गठबंधन के अवार्ड साहब का ही नाम लिया, उन्होंने नाम लिया स्टार्टिंग में अवार्ड साहब का ही बोला। हाँ, अवार्ड ये इतना मैं बोलता हूँ, आपने क्या बोले दो जाए, ये मोदी सरकार ने ना कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आदमी खा सकता है, कमा सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। जमा कुंजी नोटबंदी में तो पूरे मोदी ने ले लिया है, कुछ छोड़ा है क्या? स्टार्ट वहीं से उसने किया है, मौन ब्लीचिंग, NRC किसने किया है? मोदी सरकार ने लाया है। ये पेट्रोल का दाम हम लोग डालते थे, आज गाड़ी थी हम लोग के बाद में गाड़ी भी नहीं है, इसने पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा दिया है। क्या किया गाड़ी, गाड़ी क्या बेचना पड़ गया मोदी के वजह से? भाई मोदी तो 4-व्हीलर लेके घूम रहा है, हमारी गाड़ी के वांदे कर दिया इसने। इतनी महंगाई में ले कौन लिया गाड़ी? मैंने लिया था ना, अब लोन पे ले गाड़ी कौन ले लिया? बेचना पड़ गया भाई, लॉकडाउन लगा दिया ना इसने, कितना पैसा संभाल के रखे थे, वाइट करने में ही गाड़ी बेचने चली गई भाई। और दुकानदार हैं कुछ, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जी बॉस कहाँ गए? वो तो चले गए उधर। अजल भाई आ जाओ उधर। चला जा। तो आपने सुना कि लोगों की जो है अलग अलग प्रतिक्रिया है, अलग अलग जो है लोग जानकर, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद साहिद। क्या लग रहा है आपको जो चुनावी माहौल चल रहा है, तो किसको कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए देश में या बीजेपी की सरकार बननी चाहिए? 10 साल बीजेपी राज कर दे, कांग्रेस के बारे आने दो ना भाई, 10 साल बहुत हो गए। सरकार तो कह रहे हैं 4-5। और तो हर कोई बोलता है भाई, कोई को बोलता है पूरी पूरी मोदी आएगी, कभी बोलने से नहीं होता, करके दिखाना होता है भाई। आप बोल दिए, मैं बोल दिया, हमारे तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, जनता जनार्दन है भाई। हम बोल दिए भाई बिटिया, हम कौवा बिरयानी खाएगा, तो थोड़ी होता है कोई कौवा खाएगा बुलाओ, जनता जनार्दन है, हमारे तुम्हारे बोलने तो कुछ नहीं होगा भाई। लोगों की पसंद अहम अहम है बस यही है कि लोग क्या चाहते हैं। 10 साल बहुत हो गया एक को, अब की बात फिर कौन होना चाहिए भाई? पंजाबी भी बहुत है, कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। आगे भी बहुत सारे दुकानदार हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी शाम का वक्त हो रहा है और जो है मार्केट लग रही है, काफ़ी भीड़ हो जाती है इस मार्केट में। मुमरा का गुलाब पार्क मार्केट का है, ये सारी दुकानें हैं, लोग दुकानदार यहाँ पर हैं बहुत सारे, बात करने की कोशिश करेंगे उन लोगों से कि क्या मतलब। वालेकुम सलाम,
और बस बढ़िया है, ठीक है, अल्लाह करम भाई। बस चुनाव प्रचार के लिए देखने आए, क्या चुनाव का माहौल चल रहा है, किसको लग रहा है आपको कि कौन किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? बीजेपी की सरकार तो हट ही रहे भाई, बीजेपी की सरकार से लगा, लेकिन बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं 400 पार। अब तो वक्त ही बताएगा, अब 400 पार की 500 पार बताएगा। क्या लग रहा है आपका दुकान है ये तो, क्या महंगाई कैसी है, महंगाई ज़्यादा है या कम है? महंगाई ज़्यादा है, महंगाई कम कहाँ है, महंगाई है क्या, हर चीज़ का सब जो चलाई गया दुनिया से क्या है। आपको क्या लग रहा है पिछली जो सरकार थी वो महंगाई पे और रोज़गार पे, युवाओं पे कुछ बातचीत की, या सिर्फ जो मस्जिद मंदिर का मुद्दा चलता रहा यही सिलसिला? वही तो चला, मस्जिद मंदिर का, हिंदू मुस्लिम का मदरसा चला, मतलब और कुछ परिवर्तन देखना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। तो कौन किसकी सरकार? हमारे हुकूमत से पूरी केंद्र सरकार कांग्रेस की होनी चाहिए। अच्छा, तो कांग्रेस में केंद्र सरकार होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अगर कल्याण लोकसभा की बात करें तो यहाँ से कौन जीतना चाहिए? एक तरफ इंडिया अलायंस की वैशाली दरेकर है, दूसरी तरफ जो है शिंदे गुट के श्रीकांत शिंदे हैं। तो हम लोग तो देखे भाई कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में तो क्या क्या हुआ, सब तो मालूम ही पड़ा हम लोगों ने। तो किसको समर्थन है? मैं समझ उद्धव ठाकरे की तरफ से ही है ज़्यादा। मशाल मशाल सब क्रांति की मशाल जी है। और भी हैं दुकानदार, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई? अनवार अशरफी। क्या बताएंगे जो चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है आपको? कुछ महंगाई, रोजगारी, बेरोजगारी का चुनाव है ये जी, बेरोजगारी के ऊपर, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। तो कैसे इससे निजात पाया जाएगा, क्या हाल है? कांग्रेस, कांग्रेस इंडिया से। और कल्याण लोकसभा से किसको पसंद कर रहे हैं आप? अभी यहाँ से जो है यहाँ के लिए तो अभी शिवसेना ही ठीक है, शिवसेना के दो है तो यही बात आ उद्धव ठाकरे। देखिए तो एनसीपी जो है ना, हाँ। वो दो एनसीपी है, हाँ, अभी दो एक है। इंडिया अलायंस में भी एनसीपी है और एक जो है महायुति में भी एनसीपी नहीं है, इंडिया अलायंस में, और एक शिवसेना जो है इंडिया अलायंस में है और एक शिवसेना महायुति में भी नहीं, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस। क्या चुनाव चिन्ह क्या है पहचान उसका? नहीं, हम अपना तो बिहार का, हम उधर के नहीं नहीं यहाँ यहाँ इंडिया अलायंस का यहाँ कल्याण लोकसभा से जो खड़े हैं जी वैशाली दरेकर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार। नहीं यहाँ का नहीं मालूम, यहाँ का नहीं मालूम। आप यहाँ मतदान नहीं करते? नहीं, बिहार, बिहार में जी। फिर भी लेकिन एक कैसा आपको लगता है कि कौन आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना, बदलाव होना। का मतदान जो है वो बिहार में है, लेकिन यहाँ काम काज करते हैं, रहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि बदलाव जरूर होना चाहिए। क्या नाम भाई? जहांगीर आलम। क्या दुकान आपकी है जी? क्या लग रहा है आपको इस बार जो है देश में बदलाव देखना जरूरी है, बीजेपी या कांग्रेस, किसकी सरकार होनी चाहिए? कांग्रेस की, कांग्रेस। हाँ, क्या कांग्रेस में क्या अच्छा लग रहा है आपको कि कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए? कांग्रेस में जो भी है अच्छा ही है भाई, बीजेपी से तो अच्छा है। बीजेपी में क्या ऐसा इफेक्ट है कि नहीं पसंद आ रही बीजेपी? जब से आया, जब से बीजेपी की सरकार बनी, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। अभी हम लोग कपड़े मार्केट में हैं, चलो पहले GST लगाया, चलो अभी GST हटा दिया है, हर चीज़ कपड़े से लेकर, मान लो अगर पेट्रोल का भाव बढ़ जाए तो पेट्रोल के पीछे हर चीज़ का भाव बढ़ जाता है। उसमें जब कांग्रेस सरकार थी तो इतना पेट्रोल कितना रुपये, 70 रुपये लीटर था, अभी कितना है, 105 120 हो गया है। बढ़ते कहाँ है, अभी बढ़ते रहता है, अगर घटेगा भी तो 1 रुपये या 2 रुपये घटेगा उसमें पेट्रोल में। तो गाड़ी है आप? हाँ, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा आ जाता। अब वो तो चलाने के ऊपर है मेरे भाई, अब जैसे हम लोग यूज कम करते हैं, बात भाई कोई ज़्यादा करता है तो उसके लिए तो परेशानी है ना, हम लोग को जरूरत मुताबिक यूज़ करते हैं। अच्छा, तो जो कल्याण लोकसभा है, मुमरा और कलवा, ये सब कल्याण लोकसभा में आता है, दो उम्मीदवार हैं श्रीकांत शिंदे, वैशाली दरेकर, तो क्या लग रहा है आपको, आप किसको पसंद कर रहे हैं यहाँ पे? अभी हम लोग देखेंगे, जो अच्छा रहेगा उसको देंगे ना। 20 मई को चुनाव है, अभी कितना सोचेंगे, 5 साल का वक्त गुजर गया, अभी और भी तो एक दिन में इंसान पलट जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो शिंदे साहब वो अच्छा है, बेहतर है। हाँ, बुमराह के लिए शिंदे साहब इन्हें पसंद है, और चचा इधर है, चचा क्या बताएंगे किसकी सरकार आनी चाहिए?
ये सब में हम नहीं रहते नहीं रहते ना। अरे क्यों नहीं रहते, उलमा लोग तो सबको जागरूक कर रहे हैं कि चुनाव मतदान करें। वो आते हैं रात में चले जाते हैं, हमको ये सब कहाँ टाइम मिलता है ये सब के लिए। अरे पूरा देश जो है वोटिंग के लिए बोल रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए, आपको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं? टाइम ही नहीं मिलता है ना। अब देखिए सब लेडीज लोग के पास खाली पैटर्ने का रहता है खाली। हाँ मतलब खाली लेडीज लोग को कपड़ा दिखाओ बेचो चले जाओ और मतलब दुनिया से और मतलब नहीं है आपको? नहीं टाइम मिलता है ना इसका। रोजगार के साथ साथ देश दुनिया की भी जानकारी रखो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं देश में वो सरकार बने जो देश का तरक्की हो, समझे? तो ये आप जब जानकारी नहीं रखेंगे कि कैसे हो रहा है तो कैसे सरकार चुनेंगे फिर? सरकार कैसे चुनेगा, अभी मेरा वोट ही नहीं लिस्ट वो नहीं बना। क्या नहीं बना? अरे वो वोट डालने वाला अभी तक बनवा ही नहीं। अरे बनाता वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट क्यों जा रहा है बार बार? पता नहीं, अभी भी परसों फिर मेरा लड़का फिर ऑनलाइन अप्लाई किया। वो तो अभी तक मतलब कितनी उम्र हो गई? अरे उम्र तो बहुत हो गई लेकिन वो कैंसिल ही हो जाता है पता नहीं कैसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुलेमान। अच्छा मुमरा में ही रहते? हाँ। तो मतलब वो बन नहीं रहा है? नहीं इस अभी परसों फिर मेरा लड़का जो है ना हाँ। फिर उसमें अप्लाई किया है। अच्छा। ये देखिए आपको रिजेक्ट हो जा रहा है बार बार? नहीं बना ही नहीं है ना, वो रिजेक्ट हुआ ना इसका मतलब। फॉर्म हम जमा करते हैं आप वो रिजेक्ट? रेहान सर के ऑफिस पे अभी देखिए ये अभी मेरा लड़का ऑनलाइन किया है। अच्छा ठीक है चलिए। हाँ क्या लिखता है इलेक्ट्रिक? लेकिन फिर भी चलो वोटिंग नहीं आ वोट नहीं आ रहा है आपका, रिजेक्ट हो जा रहा है, फिर भी कुछ तो ख्वाहिश होगी कि देश में किसकी सरकार होनी चाहिए। यही है ना। सरकार में तो पहले ये भी जानना होगा ना कि कौन कौन मतलब कौन कांग्रेस बीजेपी और कौन है नहीं है। कांग्रेस बीजेपी कौन होना चाहिए? तो वो तो अब बीजेपी को सब देख लिया है, अब दोबारा फिर कांग्रेस को चांस दे तभी सरकार बदलता रहेगा। 5 साल में तो ऐसा ऐसा बुरा हाल होगा भी नहीं। अच्छा महंगाई का क्या हाल? महंगाई का तो किसी से छुपा तो नहीं ये तो किसी से छुपा नहीं है। देखिए देखिए मुमरा का हाल है, चाचा मुमरा के रहने वाले हैं और कई बार इनका कहना है कि जो है वोटिंग के लिए इन्होंने वोटिंग कार्ड बनाने के लिए फॉर्म जमा किया लेकिन इनका रिजेक्ट हो जा रहा है, इनका वोटिंग आ नहीं रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे। लोगों के क्या नाम है आपका? आप आई है किसको चुनाव? लोकसभा चुनाव कर रहा है तो कौन पसंद करे? वोट तो देते होंगे ना? हाँ देती हूँ मैं, कभी भी नहीं दी हूँ। आता है वोट कि नहीं आता? हाँ आता है। तो फिर क्यों नहीं देते, जाना चाहिए ना? एक बार दी फिर देना चाहिए, वोट अधिकार है आपका तो जाकर देना चाहिए क्योंकि वोट बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। सरकार एक वोट से ही चुनी जाती है। तो किसको पसंद कर रहे हैं आप? मुमरा कलवा मुमरा कल लोकसभा के जो है कल्याण के उम्मीदवार? देखो ये जो है मुमरा शहर के रहने वाले लोग हैं, आपने बताया नहीं किसको वोट? अरे मुझे कहीं ना कहीं जो है जागरूकता भी जो है बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच में और जागरूकता की कमी के होने की वजह से जो है ये हाल है। किसी का जो है वोटिंग कार्ड नहीं बना तो कोई बोलने को राजी नहीं है, तब अलग अलग जो है मामले हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं दुकानदार, गुलाब पार्क मार्केट है ये। और क्या नाम है? मेरा नाम नावेद है। नावेद भाई क्या बताएंगे, जो चुनावी माहौल है आज के वक्त का तो कैसा लग रहा है आपको? यो भाई मसला तो ऐसा है चुनावी माहौल का, क्या लगेगा, बस जो भी आ जाए अदल करे इंसाफ करे लोगों के साथ में, है ना। असल तो देखो अपना ईमान और अकीदा जो है वो अल्लाह के ऊपर है। जी बिल्कुल। ये दुनिया आखिरत को जो बादशाह है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है और जो हुकूमत जो लोगों के ऊपर मुसल्लत होती है ना वो ईमान वालों के आमाल के बतौर होती है। कुरान की आयत का तर्जुमा है कि जब उम्मत अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना छोड़ देगी ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़ालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा और अल्लाह ताला लोगों के ईमान वालों के बरगुदीदा बंदों की दुआओं को कबूल भी नहीं करेगा। तो अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे कि
कैसा लग रहा है, तो मैं तो अपने अमल को लेके फिक्रमंद हूँ। मैं जितना अच्छा अमल करूँगा अल्लाह ताला उतने अच्छे मेरे लिए फैसले करेंगे। लेकिन जो चुनाव के हिसाब से मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे देश में किसकी सरकार होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अलायंस के तरफ से ये कहा जा रहा है संविधान बचाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए जो है परिवर्तन होना चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है कैसा परिवर्तन है, किसकी सरकार होनी चाहिए देश में? देश में सरकार किसकी होनी चाहिए? देखो, हमने तो दोनों पक्षों को हुकूमत करते हुए देख लिया, बीजेपी को हुकूमत करते हुए देख लिया, कांग्रेस को भी हुकूमत करते हुए देख लिया। हम तो जानते हैं भाई कौन कैसा है। हाँ, अगर कांग्रेस बोल रही है कि भाई कुछ बदलाव ले आएंगे जैसे दावे कर रही है तो आ जाए, बेहतर है, क्योंकि बीजेपी ने तो बड़े बड़े दावे करके खोखलेपन दिखा चुकी है। हाँ, तो कांग्रेस आया तो बेहतर है मेरे हिसाब से तो। और कल्याण लोकसभा से क्या लग रहा है आपको, कौन से उम्मीदवार बेहतर हैं आपके? उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। मालूमात लोकसभा का मालूमात रखिए, आपको वोट देना है क्योंकि यही कॉल हो रहा है कि वोट जो है घर से निकल कर देना है, वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए। तो शिवसेना पार्टी, दो शिवसेना है, एक शिंदे गुट एक उद्धव गुट, दोनों के कैंडिडेट हैं, एक तरफ श्रीकांत शिंदे और दूसरी तरफ वैशाली दरेकर। तो क्या लग रहा है आपका, आपको कि कौन हो सकता है? श्रीकांत शिंदे हो सकते, हाँ, क्योंकि काम भी उनका जो है तो, और लोगों के अंदर दबाव भी अलग है उनका, श्रीकांत शिंदे जी का, और लोगों ने उनका काम भी देखा है, उनका स्वभाव भी देखा है। तो अगर इन दोनों पक्षों के हिसाब से आप मुझसे पूछ रहे हो तो मेरे हिसाब से तो श्रीकांत शिंदे जी आ जाए तो बेहतर रहेगा। तो आपने सुना कि केंद्र में जो है वो कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, लेकिन कल्याण लोकसभा सीट से पसंद श्रीकांत शिंदे को किया जा रहा है। चचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। क्या बताएंगे, धंधा उंधा कैसा चल रहा है? धंधा माशाल्लाह, अल्लाह का करम है, बढ़िया है। चुनावी जो माहौल है ये, इसको क्या लग रहा है आपको? हमको चुनावी से कोई लेन देन नहीं है। अरे बाप रे बाप, क्यों? कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा क्यों? लेकिन कोई मजा ही नहीं है, कोई भी आया तो अपने को कुछ देने वाला है ही नहीं, अपने रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, चाहे आमदार आओ, चाहे खासदार आओ, चाहे नगर सेवक आओ, कोई कुछ देने वाला नहीं है, अपने को रोज़ की रोजी खाना है, अपने को जिसको वोट देना है उसको वोट दे देना, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। वोट देने जाओगे? हाँ, वोट देने जाओगे। तो पसंद कौन हो सकता है? वो नहीं बताते। अच्छा। अपने को जो उसमें दिल आ गया उसको वोट दे दिया अपना। इस बार दिल किस पे आने वाला है? हमारा तो इस बार है उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे है, कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार है। अच्छा, वो युति के इसमें हम इंशाल्लाह हमारा वोट उसको मसाल जनाने की तैयारी में है, इसमें कोई शक नहीं, हम उसको वोट देंगे। मशाल जलाने की तैयारी में है, साफ कहना है कि जो उद्धव गुट हैं उनको वोट देंगे, और भी हैं कुछ लोग, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो मार्केट है काफ़ी, यहाँ पर जो है महिलाओं की खरीदारी भी चलती रहती है, लोग भी यहाँ पर रहते हैं। वालेकुम सलाम। और भाई कैसा चल रहा है धंधा? मैं कुछ बात नहीं कर पाएंगे। अरे कर लो भाई, अरे कर लो भाई। अच्छा, वोट डालने जाते हो कि नहीं? जाते हो ना, तो फिर क्यों नहीं बात करोगे? नहीं 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 करूँगा। कुछ कौन पसंद हो उम्मीदवार? नहीं बात कर सकता हूँ भाई, नहीं 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 दे सकता, नहीं दे सकता बड़े भाई। इसने बोला कुछ क्यों नहीं दे, कुछ राजनीतिक दबाव तो नहीं आ गया? नहीं नहीं नहीं, गाय को दबाऊँ? नहीं 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 दे सकता। लोगों से बात करेंगे। और क्या नाम है भाई? मेरा नाम है मोहम्मद नईम। क्या बताएंगे, चुनाव के हिसाब से क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आनी चाहिए? चुनाव के हिसाब से तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जो है वापस जो है आने वाली है, मुझे जहाँ तक लगता है मेरे हिसाब से। कांग्रेस में क्या अच्छा लग रहा है आपको? कांग्रेस के अंदर ये थी कि एक तरह जो परेशानी आती थी लोगों को, मैं मुसलमानों के साथ नहीं है, और जो गैर भी है, हिंदू भाई भी हैं और दूसरे लोग भी हैं जो और तबके लोग हैं, उनको काफ़ी तकलीफ़ें होती थी। जैसे आप गैस का बाटला आप देख लो, गैस सिलेंडर, महंगाई महंगाई काफ़ी ज़्यादा उसके दौर में है, यही वजह असल है।
अच्छा, गैस का बाटला काफी महंगा, आप लोगों को भी तकलीफ होती होगी खाना हाँ, बनाने में, है ना? हाँ। तो किसकी सरकार आप लोगों को चाहिए, कौन पसंद है, कांग्रेस, बीजेपी या दूसरी पार्टी, कौन? कांग्रेस। कांग्रेस, शिवसेना। कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस के राज में थोड़ी महंगाई कम होगी, हाँ उम्मीद है। हाँ होएगी, उम्मीद है। अरे बोलिए ना, आधी आबादी हैं आप लोग, जितने जेंट्स हैं उतनी जो लेडीज हैं, तो आप लोगों का भी राय जाना बहुत ज़रूरी रहता है कि आप लोग भी वोट देते ना, अधिकार है ना वोट देने का। तो महंगाई कैसी है, कौन कौन सी सरकार अच्छी है, ये सब पे आप लोगों को भी जानकारी रखनी चाहिए, है ना? होनी चाहिए जानकारी, नहीं होनी? सीरियल देखने तो सिर्फ चलेगा नहीं, काम है ना? क्योंकि आप बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तो देश दुनिया की खबर हमको होनी चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है, वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बाहर निकलने देंगे, आप बोलो ना, कौन सरकार चाहिए, कांग्रेस चाहिए कि मोदी चाहिए? अच्छा, महंगाई ज़्यादा है तो इसको, इसके लिए परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मोदी चाहिए, नहीं बताओ, कांग्रेस चाहिए। अच्छा, मुमरा में ही रहते ना? हाँ। वोट देने तो जाते होंगे? हाँ जाते हैं। तो मुमरा से मतलब जो कल्याण लोकसभा है, यहाँ से दो उम्मीदवार हैं शिवसेना के ही, उद्धव गुट, शिंदे गुट, तो आप किसको पसंद करते हैं, किसको? बकवास कर रही हूँ, यार सरकार होना चाहे तो कांग्रेस की होना चाहिए, अब कर सरकार तो चाहिए तो कांग्रेस की ही चाहिए, हाँ ये वाली नहीं चाहिए। कौन ये जो चल रहा है, जो दुनिया में अभी चला रहा है, जो खून चूस रहा सबका, वो सरकार चाहिए ही नहीं। अच्छा। गरीबों के लात मार रहा है, गरीबों का घर तोड़ रहा है, वो सरकार चाहिए नहीं। कौन सरकार है वो? अरे तुमको नहीं मालूम है, आप बोलो ना, मेरे मुंह से खुलवाओगे खाली। वो सरकार बहुत खतरनाक है, मोदी है। अच्छा। जो मोदी का आगे अभी डायलेक्ट में नहीं मारूंगा, हमको चाहिए सरकार तो पंजा ही चाहिए, उससे हम लोग का कारोबार नहीं चल रहा है। कल्याण लोकसभा जो है, यहाँ से जो दो उम्मीदवार है, उनमें आप किसको पसंद करते हैं, किसको? हम तो कांग्रेस को ही देंगे, कोई भी उम्मीदवार बैठे यहाँ। इंडिया अलायंस की यहाँ उम्मीदवार है, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना, एनसीपी, ये सभी जुड़ के एक दल है, जो इंडिया अलायंस। हाँ, सब मिला के एक हुआ, तो वो कौन है? इंडिया अलायंस। इंडिया बोले तो कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस है। हाँ, बस कांग्रेस ही चाहिए। तो इधर कांग्रेस की जो उम्मीदवार है इंडिया अलायंस की, वो वैशाली दरेकर है एक तरफ, श्रीकांत शिंदे हैं। हाँ। तो आपको कौन पसंद है? अब ये क्या है जो अंगाल लेके चल रहा है, वो बाम्बू लगा के? हाँ। मिसाल मसाल, मसाल। हाँ। वही पसंद है? हाँ, वही पसंद है अभी फिलहाल। कांग्रेस की सरकार है तो वो पसंद है, समझे भाई? मोदी की सरकार है वो मिसाल, वो नहीं पसंद है। कांग्रेस है वो पसंद है। कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, सबकी अलग अलग पसंद है। क्या पसंद है आपकी? पसंद का है, बदलाव चाहिए इस बार जो है ना, मतलब हाँ, क्योंकि ये पुराने लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं खास। देखा जा रहा है बहुत लोग बोलने से कतरा रहे हैं, कैमरे से भाग जा रहे हैं, ऐसा बोलते ऐसा बकवास हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक देश का चुनाव है, बहुत अहम माना जा रहा है ये चुनाव। ऐसा कहा जा रहा है कि यही एक चुनाव ऐसा है जो बदलाव ला सकता है। सही बात है, हकीकत बात है जो है ना, इसमें कोई दोहराय नहीं है। लोगों में अवेयरनेस की कमी अभी कमी इसके लिए भाई साहब की जो है ना, लोग देखो अपने रोजगार से परेशान है, घर से परेशान है, और जब इंसान घर से परेशान होता है ना, तो कोई भी ओपिनियन नहीं रख सकता किसी के सामने, ना कोई मतलब मशवरा दे सकता कि भाई ऐसा कर लो। बाकी देश के अंदर जो है ना, अभी जो हालात हैं सब लोग देख रहे हैं, मतलब जो है ना कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तरक्की बाहर हो रही है कि देश में हो रही है। अब जो है ना, नेता सब लोग हैं, नेता हर पार्टी में है, बीजेपी में। आज देखो, आज केजरीवाल का हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, बोले मैं जेल से बाहर आया हूँ, सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मतलब देश को बचाना है, मुझे संविधान को बचाना है। तो कुछ तो समझ के वो बोल रहा है ना, मतलब जो है ना, सब लोग तो लालची। संविधान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखो हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हमने जो है ना, मतलब यहाँ पे भी नौकरी की है, यहाँ पे भी कारोबार की है, और प्रदेश भी गए हैं, तो हमने प्रदेश में देखा है कि तानाशाही क्या होती है, राजशाही क्या होती है। वहाँ लोगों को जो है ना, मतलब थूकने के लिए भी जो है ना, मतलब जो है ना, डर लगता है, परमिशन मतलब लेनी पड़ती है। हम आज़ाद मुल्क में हैं, 70 साल 80 साल की हमारी आज़ादी है, अगर ये छीन गई लोगों की, तो लोग आने वाली जनरेशन का क्या होएगा? क्या नाम बताया? मेरा शमशाद खान नाम है। शमशाद भाई, लेकिन बीजेपी का ऐसा कहना है कि जो
संविधान बदलने की बात हो रही है, ये महज एक अफवाह है, ऐसा फैलाया नहीं, वो हम मान लेते हैं जो है ना, अगर संविधान बदलना भी चाहे बीजेपी कुछ मुद्दे उसमें अगर अच्छे नहीं है कुछ बदलना चाहे तो वो बदल सकते हैं, सरकार में है पब्लिक के अच्छी अच्छाई के लिए। लेकिन आज जो रोजगार का मतलब रोजगार का ही मुद्दा है, अभी हमारे बच्चे हैं आगे फ्यूचर में हमको कहाँ खड़ा करें बताओ, इस देश में हम रह रहे हैं, इस देश में हमारे पास क्या है, मतलब जो है ना इस सरकार से हमको क्या सपोर्ट मिले, इस सरकार कम से कम मुसलमानों में भी डर का माहौल बनाए, एनआरसी। हाँ हाँ वो सब है, देखो जब वो सब होएगा और आएगा फिर वो देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो मुद्दे हैं महंगाई है, बच्चों की जो है ना शिक्षा है, बेरोजगारी है, एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। हम अपने बच्चों को जो है ना आज स्कूल में जो पढ़ा रहे, तो हमसे पूछिए आप हम किस तरह पैसा भरते हैं वहाँ पे, सरकारी जो स्कूलें हैं उनके क्या हालात हैं, वहाँ एडमिशन तक नहीं मिल रहा है, एडमिशन नहीं मिल रहा है भाईजान, एडमिशन नहीं मिल रहा है, मतलब वहाँ पे 200 आदमी लाइन पे खड़े हैं तो खाली 20 को एडमिशन मिल रहा है, नहीं है हमारे पास स्कूल यहाँ पे बच्चों के लिए, मतलब हाँ 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 है, उसमें कोई दौराय नहीं है, मतलब जो है ना बदलाव होना चाहिए और जवान लोगों को जो है ना मौका मिलना चाहिए, मेरा मानना है ऐसा, यंग लोग ही कुछ कर पाते हैं केंद्र में, मतलब हाँ हाँ केंद्र में यंग लोगों को आना चाहिए। अभी जैसे नहीं, मेरे नज़रिए में अगर आप पूछो जो है ना, मतलब तो जो आदमी देश में पैदल चल सकता है तो वो अपने लिए नहीं चल रहा है, वो देश के लिए चल रहा है, तो उससे अच्छा तो कोई मतलब जो है ना, मोदी सरकार ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में यात्रा करें, हाँ तो वो तो कर रहे हैं ना, हम लोग देख रहे हैं ना, आप लोग भी देख रहे हो जो है ना, आप लोग रिपोर्टर हो, आप लोग देश को और अच्छी तरह से समझते हो कि अंदर क्या हो रहा है बाहर क्या हो रहा है, हम आम जनता हैं और हम लोग अपनी राय यही दे सकते हैं कि हमारे हिसाब से हमको देखो हम आधी रोटी खा के गुजारा कर लेंगे आज, लेकिन आने वाली नस्ल के लिए ये देश में हमारी सरकार क्या कर रही है, लोगों को जो बड़े हैं उनको आने वाले जनरेशन के लिए सोचना पड़ेगा, बहुत फिकर है, फिकर है, और फिकर करके ही जो है वो सरकारों को चुने क्योंकि वोट जो है वो बहुत कीमती चीज होती है ना, है ना, मतलब हाँ अभी उनको देखो मौका मिल जाएगा, अच्छे लोग आ जाएंगे तो अच्छा काम करके दिखाएंगे, नहीं देश में काम हो रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन कहाँ हो रहा है, देश में बाहर काम हो रहा है, सड़कें बन रही है, रोड बन रही है, लेकिन सड़कें बनने से रोजगार बनने से जो है ना हमको रोजगार को नहीं मतलब हमारा बढ़ रहा है ना, आप बनाओ सड़कें बनाओ ब्रिज बनाओ अमेरिका बना दो दुबई बना दो जो है ना मुंबई को और इंडिया को, लेकिन इस देश के रहने वालों को तो कम से कम इतना रोजगार मिले कि वो अपना पेट भर सके, किसी से उधारी ना लें, किसी से लोन ना लें, किसी से कर्जा ना लें, ना कोई आत्महत्या करे, अब रोजगार ही नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा। अच्छा कल्याण लोकसभा की बात करेंगे, कल्याण लोकसभा में जो उम्मीदवार हैं कौन से उम्मीदवार को आप, अभी उम्मीदवार तो अभी यहाँ पे जो है ना पूरी तरह से जो है ना पब्लिक को मालूम ही नहीं है कि उम्मीदवार कौन एक्चुअली में जो है ना, अभी ये जो महागाड़ी का जो उम्मीदवार है जो कंबाइन जो है ना शिवसेना का जो है ना राष्ट्रवादी शरद पवार का कंबाइन, उनका नाम तक डिक्लेयर नहीं अभी यहाँ पे जो है ना पब्लिक को, आधी पब्लिक को ये भी नहीं मालूम होएगा, हाँ दरेकर राणे जो है ना मतलब वो हो गई, और साथ में जो है ना यहाँ से अपना श्रीकांत शिंदे, तो देखो अभी जोड़ तोड़ की सरकार बनने जा रही है तो जिसका जो दिल करेगा जो है ना उसकी तरफ जाएगा, क्योंकि जोड़ तोड़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है क्या, कि पहले आदमी एक पक्ष को देखता है कि इन्होंने हमारे को 10 साल में 15 साल में क्या दिया, फिर दूसरी तरफ जाता है। आप किसको देखें, तो मैं तो अपने हिसाब से देख रहा हूँ कि जो है ना मैंने बता दिया पहले ही, जो आदमी देश के लिए पैदल चल सकता है जो है ना मतलब सबको गले लगा सकता है वही सबसे बेहतर है, हम उसी तरफ जा रहे हैं, तो इंडिया एयरलाइंस की तरफ, इंडिया एयरलाइंस पूरी तरफ से जा रहे हैं पूरी तरह से, उसमें कोई शक नहीं है जो है ना, देखो हमारा वोट एक है और हम अपने दिल से डालते हैं कि कुछ अच्छा हो, अब वो बेकार हो जाए तो हमारी नसीब आगे फिर देखेंगे, यही देश है इसी देश में फिर से इलेक्शन होंगे और बदलाव तो आना चाहिए। अच्छा एक बात और पूछ लेता हूँ आपसे, कुछ लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि आप लोग ना इंडिया एयरलाइंस को वोट दो ना जो है शिंदे को वोट दो, आप लोग नोटा दबा दो, क्या आपको लगता है सही है क्या आम जनता की राय, पिछले दिनों मुमरा में इसको लेकर काफी बवाल मचा, नोटा कोई सही ऑप्शन कोई उपाय नहीं है, तुम्हारा 5 साल बेकार हो गया, तुम्हारी राय मतलब चली गई बेकार चली गई, कुछ भी हो मतलब जो है ना अपने दिल की सुन के जो तुमको अच्छा लगे जो है ना उसके नाम का तुम अगर वोट डालते हो तो कम से कम हो सकता है जो है ना एक वोट तुम्हारा उसको ऊपर ले जाए और अच्छा आदमी आ जाए, नोटा कोई ऑप्शन नहीं है भाई, कोई ऑप्शन, तो नोटा कोई ऑप्शन नहीं है, लोग जो है वो चुने, क्या नाम भाई आपका, अयाज खान, अयाज भाई क्या धंधा पानी कैसा है, लेडीज सूट बेच रहे क्या, नाइट क्या क्या प्राइस, अलग अलग है 150 रुपये का है 200 का है नाइट सूट 300 का है अलग अलग, तो ऐसे अलग अलग सब उम्मीदवार भी खड़े हैं चुनाव में जी, जी। तो उनका कैसे चुनाव करोगे आप, उनका चुनाव क्या जो अभी चल रहा है मतलब महंगाई बेरोजगारी ये तो खास मुद्दा ही है 10 साल से देख रहे हैं,
और अभी तो इंडिया एयरलाइन से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंडिया एयरलाइन जी जी 100% ना है ऐसा कि इंडिया एयरलाइंस को ही पूरी दुनिया अपने इंडिया में वोट होएगा इंशाल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मारेंगी इंडिया एयरलाइंस। लेकिन मोदी सरकार कह रहे हैं 400 पार। नहीं वो तो हमेशा से उनका तो रहा है ना, ये तो उन्होंने अपने मनगढ़ंत जो बोलते रहते हमेशा से वो चलता है उनका। तो मोदी सरकार जो है ना हमेशा से उनका यही है 400 पार 350 पार रहता है, लेकिन होएगा नहीं इंशाल्लाह। ये बारी तो नहीं होएगा, इससे पहले जो भी हुआ लेकिन इस बार तो नहीं हो सकता। इस बार क्या होगा? इस बार महाराष्ट्र केंद्र में किसकी सरकार? केंद्र में ये भी इतने इसकी कांग्रेस की, कांग्रेस सरकार इंशाल्लाह। धर्म जात के नाम पर वोट मांगा जाता है, लेकिन जनता को क्या चुनकर वोट देना चाहिए? रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो इस पर कौन बात करेगा? जो सरकारें आती हैं ज़्यादातर धर्म राजनीति से जो है जोड़कर बात करती हैं, मंदिर मस्जिद पर बात करती हैं। तो ये तो बीजेपी का पहले से ये मुद्दा यही है, वो धर्म की राजनीति करती है। बीजेपी का ये फंडा ही है, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर। राम मंदिर पर आपने अच्छा करे, लेकिन उससे क्या लोगों को रोज़गार मिल रहा है? क्या खाने को मिल रहा है लोगों को? तो ये जो है ना, इससे हट के अगर कुछ काम कार्य करे बीजेपी, तो बीजेपी भी आए तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो तो हमेशा से बीजेपी जो है ना राजनीति करती है, धर्म की राजनीति, धर्म की जो नहीं होनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए, है ना जी। धर्म की राजनीति जो नहीं होनी चाहिए। विकास मुद्दा, बेरोजगारी, ये तमाम जो है अहम मामले हैं। क्या खाला क्या बोलूँगी, क्या बोलूँगी, नौकरी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती, क्या नहीं मिलती, खाली इतनी महंगाई हो रही कुछ। अरे क्या बोलूँ, हम लोग कहीं मोहल्ले वाले ही, क्या बोलूँगी। वोट देते ना आप? हाँ वोट देते ना। हाँ तो आपका अधिकार है ना बोलना। हाँ बोलो। तो किसको वोट देंगे आप, किसको सब पसंद कर रहे हैं कल्याण लोकसभा से? क्या तो लोग सब पसंद करेंगे, जो हमारे को मदद करेगा उसको पसंद करेंगे, वोट देंगे। कौन मदद कर? कोई भी नहीं कर रहा हम। कौन उम्मीदवार खड़ा है आपको पहले ये बताइए, मालूम है आपको? कांग्रेस। कांग्रेस है, मोदी है, और कौन है? और कौन है अपने वो इंडिया एयरलाइन, क्या नाम है उनका, अपन जो ऑफिस में बढ़ते? हाँ श्रीकांत शिंदे है, राजन खेनी है। अच्छा, अच्छा। सब है ना ठहरे हुए हम लोग के एरिया से। अच्छा, और केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए? उतना नहीं मालूम आता है भाई मेरे को, केंद्र में जाकर इतनी पढ़ी लिखी होती तो मैं आज ऑफिस में काम करती थी। हाँ अच्छा, तो कल्याण लोकसभा से मतलब जो भी हम लोग को करेंगे वो करेंगे, हम लोग उसको देंगे बस। ठीक 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 है। बड़े भाई देंगे तो वो कर। अच्छा चाय, वाह भाई वाह। देखिए चुनाव पे चर्चा और गरम चाय भी है चाचा। हाँ क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे, देखो हमारे भाई आएंगे बताएंगे, वो भी गए थोड़ा लेट गए। वो कहाँ गए भाई आपके? अभी नमाज सु गए है भाई। तो आप ही बता दो ना, वो आएंगे तो ज़रा बताएंगे, वो ज़रा वीडियो वगैरह ज़्यादा बनाते ना वो। अच्छा। उनको मालूम ज़्यादा पड़ेगी। आपका क्या नाम? बस मेरा नाम कासिम अली नाम है। अच्छा, तो कल्याण लोकसभा से किसको आप मानते हैं, कौन अच्छा उम्मीदवार है तो जिसको वोट देना अच्छा चाहिए? ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस को चाहिए। इंडिया अलायंस, मतलब इंडिया अलायंस, क्योंकि इंडिया अलायंस से ही यहाँ पर। हाँ यहाँ पीछा है ये तो, कोई भाई भी खड़े अपने, इनके भी पूछो। बोलो बोलो। अरे आपके ही बोलने बोले, आप बहुत बोलते हैं इसीलिए बोले। क्या भाई बोले, आप बहुत बोल रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियो वीडियो भी बनाते क्या? नहीं नहीं, आसिफ भाई हैं, आसिफ गारमेंट उनका है, वो बनाते हैं। हाँ उनको बोलते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ खान। चुनाव जो चल रहा है तो उसको लेकर क्या लग रहा है आपको, 2024 का लोकसभा चुनाव? अभी तो कुछ माहौल अभी समझ में नहीं आ रहा महाराष्ट्र का, क्या है क्या नहीं है, अब देखिए आगे क्या हो रहा है। मतलब फिर भी आपके हिसाब से कौन आना चाहिए, बीजेपी, कांग्रेस, किसकी सरकार आपको? अभी तो मालूम नहीं, अभी देखिए कंफर्म किसका क्या हो रहा है। अभी तो ज़्यादातर उसका कांग्रेस का ही चर्चा चल रही है जी। और यहाँ कल्याण लोकसभा से? कल्याण लोकसभा से यहाँ से अभी तो कौन उठाए मालूम नहीं है, कौन से प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी कौन है मालूम नहीं है, चुनाव प्रचार तो हो रहा है भाई। कहाँ पर चुनाव प्रचार, अभी बोल रहे लोग 13 तारीख से है। 13 तारीख से नहीं, चुनाव प्रचार चालू है। दो उम्मीदवार। अच्छा दो उम्मीदवार। हाँ टक्कर टकराव में मतलब दो उम्मीदवार, एक इंडिया अलायंस से है और एक शिवसेना उद्धव शिंदे गुट से, शिंदे गुट से। तो दोनों उम्मीदवार का नाम नहीं मालूम? नाम ही नहीं मालूम? नहीं मालूम सर।
एक वैशाली दरेकर है जो इंडिया अलायंस से है और दूसरे श्रीकांत शिंदे हैं शिंदे गुट से जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं महायुवती हुए हैं। देखे देखा जाएगा माहौल अभी फैसला नहीं है सर। हाँ अभी फैसला अभी रुझान सोचेंगे समझेंगे उसके बाद। हाँ अभी तो रुझान मालूम नहीं देखिए आगे क्या सोचो समझो अच्छा डिसीजन लो है ना। हाँ भाई ज़्यादा नहीं किए अच्छा इंशाल्लाह देखो अभी हम लोग तो सोचना तो देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ उसके बाद फिर कितने तारीख को अभी तो है तो 20 मई को 20 मई को है ना कोई अगले सोमवार को होगा इंशाल्लाह। हाँ देखिए इंशाल्लाह बताएंगे फिर अभी वासिफ भाई आएंगे जरा देख लेना इनसे भी जरा। तो आपने देखा कि बहुत से लोगों को उम्मीदवार कौन है वही नहीं मालूम है कौन चुनाव में खड़ा है वही नहीं मालूम है। क्या नाम है चाचा आपका? कैसा चल रहा है धंधा पानी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जो भी महंगाई कैसी है? महंगाई तो सब जान रहा है आप भी जान रहे हम भी जान रहे कोई किसी से छिपा नहीं है। महंगाई तो एकदम कमर तोड़ महंगाई है। ये जो देश के हालात हैं क्या चर्चा चल रही है पूरे देश में और यहाँ मुंब्रा में कि किसको किसको समर्थन किया जाए किसको जिताया जाए सरकार किसकी बनाई जाए? चोर चोर मोसेरा भाई हम तो बोल रहे कि हमको मेरी सरकार बना दिया जाए जितना भ्रष्टाचारी सबको अंदर कर देंगे जितना चोर है सबको अंदर कर देंगे। कांग्रेस भी चोर बीजेपी भी चोर जो आने वाली सरकार वो भी चोर। पहले वो अपना पॉकेट भरेगी गरीब जनता को कोई नहीं देखने वाली है हमको आपको कोई नहीं देगा। क्या फ़ायदा हुआ अभी आपको मोदी जब से सरकार आया कुछ फ़ायदा हुआ? कहाँ गया 15 लाख? यही तो लोग है यही तो लोग बोल रहे हैं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो अब की बार कुछ बदलाव देखना है। 1400-1500 रुपये कर दिया अभी 200 रुपये घटा दिया अभी फिर सरकार आएगी 1500 रुपये का 1500 बन जाएगा उसका बाटले का रेट। मोदी को भगा दिया नीरव मोदी को विजय माल्या को भगा दिया कौन भगाया उसमें कमीशन मिल रहा नरेंद्र मोदी को और कमीशन लाने कौन जाता वो भी मालूम है। बोलेंगे तो हमको भी पकड़ के अंदर कर देगा। मेरा अभी एक आलिम मुफ्ती साहब बोले हैं शायर पढ़े हैं उसमें उसको अंदर कर दिया केस कर दिया। तो यहाँ तो बोलना भी आज के टोपिया दाढ़ी वाले को पहले टारगेट कर रहा है। यही बात तो इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि हाँ। लोकतंत्र खतरे में है संविधान बचाओ अपने है क्या हो गया खतरे में पूरा। आप अगर किसी के खिलाफ बोलिएगा आपको पकड़ के अंदर कर देगा आपके ऊपर दुनिया भर का केस डाल देगा। अभी इतना भ्रष्टाचारी हुआ इतना चोरी चमारी हुआ बीजेपी का किसी के में रेट पड़ा लेकिन आम आदमी पार्टी का केजरीवाल को अंदर कर दिया मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया क्या सब झूठा केस इल्ज़ाम लगा के प्रशासन उसका जज उसका सब कुछ उसका है मतलब कातिल भी तुम ही मुंसिफ भी तुम ही। क्या लग रहा है आप तो बता रहे जो तो फिर परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसको लाइएगा कौन है आप हैं ईमानदार? हम तो बोल रहे हैं हमको प्रधानमंत्री बना दिए हम ईमानदार हैं बोलिए बनाइएगा आप हमको। जनता के हाथ में तो जनता किसको वोट देती है? अरे आप अभी हम तो इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम अपना आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं सारी जनता से हम अपील कर रहे हैं कि हमको बना दीजिए। हम प्रावधान होता है चुनाव में खड़ा होना पता पड़ता है आपको आपको एक निशानी मिलती है कि हमको जनता की तरफ से रुझान देखेंगे कि जनता का रुझान आ रहा है तो फिर हम खड़ेंगे मैदान में कूदेंगे। अभी जनता का रुझान जो है वो काफ़ी अलग चल रहा है अलग चल रहा है लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता है नरेंद्र मोदी फिर सरकार बना रहा है। जी हाँ जनता जितना भी अपना आवाज़ उठा ले जैसे भी कर ले ईवीएम चोरी करके या किसी भी तरह से आपको मरवा करके या कुछ भी करके सत्ता उसी के इसमें है वही काबिज होगा छत्ते पे दूसरा नहीं आएगा कोई। ये सिर्फ आम जनता को गुमराह कर रही है। इंडिया अलायंस की तरफ से दावा किया जा रहा है ऐसा कि मोदी सरकार आपकी गिर गई सरकार कुछ नहीं गिरेगी फिर आएगी और 400 पार जो बोल रहा है ना सही बोल रहा है कि 400 पार। जी हाँ आपने सुना कि लोगों की अलग अलग जो है प्रतिक्रियाएं हैं कोई मोदी सरकार के खिलाफ है तो कोई कांग्रेस के समर्थन में है और क्या बात है बहुत मुस्कुरा रहे हैं। नहीं वही सुन रहा हूँ देश का माहौल देख रहा हूँ। अरे हम लोग तो ये सोचते जो जीतने वाली पार्टी हो जो जीतने वाली पार्टी है उसको वोट दिया जाए चाहे जो जीते वोट बर्बाद नहीं हो अफसोस नहीं रहे कि जो है दिया वो नहीं जीती। तो जो जीतने वाली पार्टी है जिसका लहर है अभी तो यहाँ पे वैसा माहौल कुछ दिख नहीं रहा है।
यहाँ 20 कितना तारीख को है, 20 को, 20 मई को तो माहौल दिखने रहा है। जो जीतने वाली पार्टी है, जो समझ में आएगा, विचार सब करेंगे कि नहीं इसको दिया जाए, जो काम करेगा अच्छा उसको वोट तो अपना अधिकार है, वो तो देंगे ही हम लोग, जिसका ये है। पसंद किसको आ रहा है, अब किसको आप पसंद कर रहे हैं? अभी क्या बोलूँ सर, सब अभी बोल के पूछे नहीं है। हाँ, जो मैं ये देख रहा हूँ कि जिसकी लहर जाए ये रहेगी। अच्छा, जो उम्मीदवार हैं यहाँ के कल्याण लोकसभा के, मालूम है कौन उम्मीदवार? हाँ, ये कमला कुछ नाम है, लेडीज है, लेडीज है ना, शिवसेना की तरफ से है। शिवसेना की तरफ से लेडीज है, इंडिया अलायंस की तरफ से जो है लेडीज है, वैशाली दरेका, और शिंदे गुट की तरफ से जो महायुति बीजेपी इसमें है सब, उसमें श्रीकांत शिंदे हैं? नहीं नहीं, उद्धव ठाकरे के ग्रुप वाले जो है वो उसमें हम लोग का वोट जाएगा। उद्धव ठाकरे वाले में वोट? हाँ, उद्धव ठाकरे वाले में जो है उसके पार्टी से जो ये है उसमें हम लोग का जाएगा। लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग प्रतिक्रियाएँ लोग दे रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा अभी बात किया भाई। अच्छा अच्छा, अभी बात की थी, अच्छा आप ही गए थे क्या वहाँ? हाँ, वहीं मैं ही गया था। अच्छा, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे आगे, जो काफ़ी जो है गुलाब पार्क मार्केट का इलाका है ये, अच्छी खासी यहाँ पर जो है भीड़ रहती है, लोग जो है यहाँ पर खरीदी करने के लिए आते हैं। वालेकुम सलाम। और भाई, अच्छा ये ड्रेसेस क्या क्या रेंज के? ये है 150, 100, 200, ऐसा अलग अलग रेंज में आते हैं। इसमें सब तरह के पैटर्न आते हैं, गर्मी के लिए भी आते हैं, कॉटन भी आते हैं, अपने पास सिल्क भी आते हैं, सब तरह के कपड़े आते हैं। प्योर कॉटन मिलेगा इधर, ओनली भी 50 रुपये में मिलेगी। ये पैटर्न वाले भी मिलेंगे और ऐसे पैटर्न वाले भी मिलेंगे अपने पास, नायरा पैटर्न की जो चल रहे हैं आजकल। देखिए सब गर्मी के, सब गर्मी के भी है, सर्दी बारिश के भी है। चुनाव की भी काफ़ी गर्मी है, तो हाँ, चुनाव पे क्या है आपका? देखो क्या होता है, इंशाल्लाह कोशिश तो है। क्या कोशिश? अलायंस की कोशिश लगी हुई है। अच्छा, देखो अलायंस जीत जाए, अलायंस आ जाए तो बाकी तो मशीन के ऊपर है सारा काम। जो मशीन होती है चलती है, दिमाग की मशीन, दिमाग की मशीन। तो किसको समर्थन करें, केंद्र में कौन आना चाहिए, किसकी सरकार? देखो अभी जिसकी आए तो अच्छा ही है, मैं तो जो भी आए उस सरकार से अपन रिस्पेक्ट चाहते हैं कि सबका भला करे, सबके लिए। सरकार जो भी है वो महंगाई कम करे भाई, हमारा कहने का मंशा ये है, महंगाई एकदम आसमान छू रही है, महंगाई कम करे, बाकी कुछ नहीं, रोजगारी दे, जो बेरोजगार है उनको रोजी मिले। मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा मुद्दे है, शहरों के डेवलपमेंट है, के नोटबंदी का कर दिए, कुछ नहीं हुआ आज तक, कुछ हुआ है नोटबंदी करके भी कुछ नहीं हुआ है, काला धन था वो भी कुछ नहीं हुआ, उसका भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है महंगाई का है, बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट बोलती है, सरकार बोलती है कि इतना कम हो गया, कुछ कम नहीं हुआ, धंधा भी नहीं, कहाँ तक करेगी इतना महंगाई। अभी ये देखो 100-100 रुपये में हम लोग बेचते हैं, हम लोग को क्या मिलता है, कुछ नहीं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, सिर्फ दाल रोटी खा रहे हैं उतना ही, वो भी इतनी महंगाई में। नहीं आएंगे उस दिन अपने को देखना पड़ता है कि किसी से लो तो घर चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। मेन मुद्दा एक तरफ इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार गिर गई, और मोदी सरकार का कहना है कि हम 400 पार। अल्लाह ताला देखता है, अल्लाह के ऊपर दारो मदार है, तुम अगर सच्चे, जो सच्चा बादशाह आएगा ना वही सरकार चलाएगा, और जो धोखेबाज रहेगा ना वो कभी भी, देखो फ्रॉड जो रहेगा, हर कौम को लेके चलना चाहिए, हर कौम को, ये नहीं कि हम हिंदू है मुसलमान है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हर कौम को लेकर जो बादशाह चलेगा वही सक्सेस रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं भाई। इधर मुमरा कल्याण लोकसभा से आपको क्या लग रहा है, जो उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से? शिवसेना की उम्मीद लग रही है। कौन सी शिवसेना? उद्धव ठाकरे, उसने काम बहुत ज़्यादा सही किया, फिर भी अपने जानते में कितने लोग ऐसे, ये नहीं कि खाली हम मुसलमान हैं तो हम शिवसेना को क्यों वोट देंगे, लेकिन काम जो देखा जाता है ना, बहुत अच्छा काम किया उसने। तो आपने सुना कि इस वक्त हम मुमरा के गुलाब पार्क मार्केट में थे, और आपने सुना कि तमाम दुकानदार और जो खरीदी करने के लिए लोग आए, कई लोगों से पूछने की कोशिश की,
कुछ लोगों में जो है जागरूकता की भी काफ़ी कमी थी, कुछ लोगों ने अपना पक्ष बेबाकी से रखा और आपने देखा ही पूरा कि किस तरह से लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी जो है राय रखी इस कल्याण लोकसभा चुनाव को लेकर। एक तरह से कहें जो देश में चुनाव है लोकसभा का, इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं जो है एक जागरूकता होनी भी चाहिए। कुछ लोगों में हालांकि इसकी कमी है, लेकिन कुछ लोग जागरूक भी हैं और बदलाव भी चाहते हैं।